Hey guys, what's up? It's over the crazy vlogger आशीष मोरे बैक विद अनदर न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज के ब्लॉग में फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर पे। दरअसल सीन ऐसा है कि हम लोग ने क्या लास्ट ब्लॉग में मैंने गिटार का ब्लॉग शूट किया था, तभी हम लोग उसका अनबॉक्सिंग करने वाले थे, मगर मेरा दोस्त वो है ना गाँव चल दिया था, इस वजह से हम लोग शूट नहीं कर पाए। सो वो गाँव से भी वापस आ चुका है एंड अभी हम लोग उसके घर पर जाएंगे एंड वो गिटार का ब्लॉग शूट करेंगे अनबॉक्सिंग का। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सो उसने शायद यामा को कौन सा तो गिटार दिया था, तो हम लोग अभी जा रहे हैं अभी उसके घर पे एंड देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द ब्लॉग। तो और तुम लोग चैनल पे नए हो जाके सब्सक्राइब करो एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। सो लेट्स बिगिन द ब्लॉग। 6 hours later। ऑलराइट, तो गाइस अभी हम लोग हमारे दोस्त के घर पे आ चुके हैं एंड ये है वो यामा का बॉक्स, जो कि एक हफ्ते से ना घर के अंदर ही वो पैक था, बिकॉज मेरा दोस्त ना गांव पे चला गया था एंड इस वजह से घर पे ही पैक है कब से। तो अभी सबसे पहले तुम लोग को ये बॉक्स ओपन करके दिखाते हैं हम लोग, जो कि बहुत ज़्यादा ऑसम। बॉक्स ओपन करने से पहले बॉक्स के अंदर कुछ तो लिखा हुआ है, ये तो सर्विस नॉलेज कुछ तो ऐसा कुछ तो लिखा है, कुछ तो है टैंपलेट रहेगा एंड ये वो पर्ची हो रहा है, ये वो पेपर है जिसके ऊपर लिखा है कि कैसे बजाने का। ये तुम लोग को हर गिटार के इसमें मिल जाएगा और जिसको जो जो नया लेते हैं उन लोग को ठीक से बजाने को आता नहीं है। लास्ट में बिल था हम लोग का वो एक नंबर। अभी इसको पहले, ओ भाई साहब, ये है वो गिटार जिसको तुम लोग देखना चाहते थे। ये एक हफ्ते से डूट पैक है ना, इसको हम लोग ने खोल, मतलब मेरा दोस्त का क्या मालूम, हम लोग ने उस दिन गिटार बाय किया था एंड मेरा दोस्त उसी दिन को गाँव चला गया था एंड उस वजह से उसके घर पर कब से था। ये अभी पहले इसको खोलेंगे हम लोग एंड देखेंगे इसके अंदर गिटार कितना औसम है, तुम लोग को अभी दिखाता हूँ मैं। अबे जल्दी खोल यार। और ओ भाई साहब, ये हो गिटार, इसे बोलते हैं गिटार कितना औसम है। और भाई साहब तुम लोग जो जो गिटार लवर है ना, वो इसे देख के तो बहुत ही खुश है कि कॉज ये इतना औसम है ना। मगर अगर तुम लोग सामने से देखेगे ना तभी तुम लोग को समझेगा कितना औसम है, मतलब तुम लोग को वीडियो में भी समझ रहे मगर तुम लोग एक बार शॉप के अंदर जाके ज़रूर देखना, ये गिटार बहुत ज़्यादा औसम है, बहुत मतलब बहुत, तुम लोग समझ रहे हो ना, बहुत औसम है। इसको पहले हम लोग ये वाला भी निकालते हैं, इसके अंदर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को भी पैक करके रखते हैं बिकॉज वो जंग बिग नहीं क्या, मतलब सीन होता है खान हो जाएगा तो क्या करेंगे। ये भाई लोग देख सकते हो कितना भी एकदम औसम दिख रहा है, एकदम डिज़ाइन विज़ाइन सब कुछ इसके एकदम परफेक्ट है, कुछ कमी नहीं है इसके अंदर, सब एकदम औसम है। एंड ये देख सकते हो तुम लोग यहाँ पर कैसा है, इसको अलग तरह से बनाया है थोड़ा। ये देखो ये बटन बोल रहा हूँ सॉरी मस्त है बहुत। अभी तुम लोग को है ना मेरा दोस्त इसको बजा के दिखाएगा, कॉस मुझे बजाने को आता नहीं ना, इस वजह से मेरा तुम लोग को दोस्त बजा के दिखाएगा। अभी तुम लोग जाओ एंड इसको बजाते हुए देखो। ऑलराइट, तो गाइस अभी हम लोग आ चुके घर पे वापस एंड वहाँ पर मैं आउटरो करने पाया था कॉज उसके पेरेंट्स आ चुके थे एंड उन लोग के सामने ब्लॉग करने में थोड़ा मुझे हंसी आ रही थी, इस वजह से वहाँ पर मैं ब्लॉग नहीं कर पाया। तो तुम लोग समझ गए रहे डूड यामा को कितना औसम है। तो तुम लोग को अगर तुम लोग को लेने का रहेगा ना तो तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके बता सकते हो, अगर तुम लोग को चाहिए रहेगा तो मैं तुम लोग को वहाँ पर डिस्काउंट में तुमको समझ रहे हो तुम लोग ला के दे सकते हो, मतलब तुम लोग को मेरे साथ चलना पड़ेगा
तो वहाँ पर हम लोग जाके ले सकते। एंड तुम लोग को ब्लॉग शायद अच्छा लगा रहेगा, तो ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना एंड जाके मुझे सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताना तुम लोग को ब्लॉग कैसा लगा। तो बस आज का ब्लॉग यही था, तुम लोग को गिटार का अनबॉक्सिंग दिखा रहा था। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, टिल डेट मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस। सो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।